यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर शिमला में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदेश के सीएम की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के मानकों में अच्छा है, तो वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उत्तरी राज्य में पंजाब पहला राज्य था जिसने 2005 में सामाजिक स्वास्थ्य की शुरुआत की थी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि पहले सरकार में रोगी को ठीक करने का फोकस था, लेकिन आज रोग को ही जड़ से निजात दिलाने का प्रयास किए जा रहे हैं और 30 साल की उम्र में किसी भी मरीज की कोई भी बीमारी हो उसका पता लगाकर उसका संपूर्ण इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए यह खुशी की बात है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पर अधिक फोकस किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, उमेश शर्मा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं शिमला से। उमेश, स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया है और ऐसे में किस तरह से स्वास्थ्य मिशन चलेगा, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, जिस तरह से जेपी नड्डा ने आज बताया एक कार्यक्रम में, ये नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा मिशन कैंपेन है। मोदी के सपनों का ये कैंपेन बता रहे थे। रूरल जो नॉर्दर्न इंडिया के लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि जिस तरह से नड्डा ने बताया कि 50 लाख की आबादी इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति का जिसका स्वास्थ्य लाभ, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधा देनी, कम से कम 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर कवर उसको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना जेपी नड्डा बता रहे थे कि देश के लिए बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित योजना थी, उसका आज शुभारंभ किया गया है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में इससे बड़ी क्रांति आएगी, बड़ा सुधार आएगा। 50 करोड़ की आबादी में से 50 करोड़ की आबादी सीधे तौर पे इस योजना से लाभान्वित होगी और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जो हेल्थ सुविधाएं वो मिलेगी। तो नड्डा इस तरह से कह रहे थे और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बाकी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने उनके बीच में एक एमओयू भी साइन, इंटर स्टेट जो एमओयू होता है वो एमओयू साइन किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग तरह से इसमें जो राज्य और केंद्र के बीच में जो सहमति बनेगी उस पर आने वाले समय में इसमें विचार किया जाएगा, किनकी क्या जरूरतें, किनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको लेके एमओयू साइन किया गया और प्रत्येक राज्य को इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना है और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी मदद करेगी। तो उस लिहाज से कहा जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उत्तरी भारत के राज्यों के लिए बहुत बड़ी योजना का एक शुभारंभ हुआ है और 5 राज्यों के जो पंजाब को छोड़ दें, बाकी सभी राज्यों ने हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इन्होंने इसको इसको लेके एमओयू भी साइन किए। जी उमेश, साथ ही कितने दिन ये सेमिनार चलेगा? देखिए, आज का ही सेमिनार था, समाप्त हो गया ये एमओयू साइन होने के बाद ये कार्यक्रम समापन हो गया, आज ही का दिन था और इसमें सिर्फ एमओयू ही साइन होने थे और योजना के बारे में अब विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए नड्डा ने कहा कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही एम्बिशियस योजना है। इसमें जो स्वास्थ्य क्षेत्र में है, तर्शी क्षेत्र है, उसको बहुत ही एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा, इसको ऑनलाइन बनाया जाएगा, इसमें बहुत बड़ा आईटी सेक्टर काम करेगा। आप देश की किसी भी राज्य में आप जाओगे, आप अगर वहां को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होती है तो फौरी तौर पर उसी राज्य में ही उसी के नजदीक अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा और जो इसका जो जो दवाइयों से ऑपरेशन का जो वहन है वो उसी योजना के अंतर्गत कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है कि आप देश का कोई भी आदमी कहीं भी बीमार होता है तो उसके लिए वो सुविधा उसी के नजदीक अस्पताल में मुहैया कराई जाएगी और जो पैसों का भुगतान है और जो बाकी तमाम ऑपरेशन है वो ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो उस लिहाज से जिस तरह से नड्डा कह रहे थे कि बहुत ही ये लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था, आज लॉन्च किया गया है और 5 राज्यों के साथ एमओयू साइन हो गया है और आने वाले टाइम में भी राज्य की जो दिक्कतें होंगी उनको खुली तौर से नड्डा ने आमंत्रित किया है कि दिल्ली में आके उनसे बात करेंगे, जो भी जिस तरह की दिक्कतें उनको डिस्कस करेंगे, उनको जो भी समस्या है उसका निदान करके इस योजना को इतना फूल प्रूफ बनाएंगे कि इस योजना के तहत नड्डा ने ये भी कहा कि आने वाले समय में लगभग 2022 तक
ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, जितने भी देश के स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा कि 30 साल तक के जो भी मरीज है या लोग हैं देश के, उनको पहले ही इतना ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि उनकी बीमारी का पहले इलाज कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में उनको कोई किस तरह की बीमारी पैदा ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इसका एक MOU साइन हो गया, अब देखते हैं इसका कितना असर आने वाले समय में देश के लोगों को मरीजों को हो पाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिन का सेमिनार था जो अभी खत्म हो चुका है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत के बाद में अब स्वस्थ भारत का जो मिशन है उसी को साकार करने का ये एक प्रयास, और कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उत्तर भारत के और साथ ही यहां पर उत्तराखंड के हालांकि मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की ओर से इस मिशन की शुरुआत की गई, इसके अलावा इंटरस्टेट MOU भी यहां पर साइन हुए।